नमस्कार दोस्तों, टीचर सिंह में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ नानो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021-22 के लिए। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ नानो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल वेबसाइट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है और ये मोहाली में लोकेटेड है। और यदि आप नानो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस प्रकार के फील्ड में आप यदि रिसर्च करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ देखिए ऊपर बहुत सारे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है एकेडमिक्स, एकेडमिक्स के थोड़ा सा नीचे आओगे जो पॉपअप मेनू, यहाँ मेंशन किया गया है एडमिशन, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये है इसका एडमिशन वाला पेज, ये ओपन हो चुका है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो मेंशन किया गया है ऑल पीएचडी आरए पीडीएफ। तो पीएचडी ऑप्शन में यहाँ मेंशन किया गया है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द एडमिशन टू द आईएनएसटी आइजर पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2022 सेशन। तो यहाँ देखिए दो पीडीएफ दिया गया है, एक है आपका एडवर्टाइजमेंट का और है आपका एप्लीकेशन फॉर्म का। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके आप फिलअप करके आप भेज सकते हो। और ठीक इसी के ऊपर मेंशन किया गया है इसका जो लास्ट डेट 4 अक्टूबर 2021। तो हम इस एडवर्टाइजमेंट को अभी ओपन कर लेंगे। तो यह है इसका एडवर्टाइजमेंट, शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ देखिए मेंशन किया गया है नानो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, यहाँ मेंशन किया गया पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2022 सेशन, ठीक है। और यहाँ मेंशन किया गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ नानो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इन सेवरल एरियाज ऑफ नानो साइंस एंड नानो टेक्नोलॉजी। और यहाँ आपको जो मिलेगा, यहाँ देखिए जो कैपिटल लेटर में मेंशन किया गया है, स्टूडेंट्स विथ एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ फेलोशिप सच एज सीएसआईआर, यूजीसी, जेआरएफ आर आल्सो एनकरेज्ड टू अप्लाई। तो यहाँ कोई भी यहाँ जैसे कि सीएसआईआर, यूजीसी, जेआरएफ किया है तो भी यहाँ एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ये चीज भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेंशन किया गया है कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी एनरोल्ड इन द पीएचडी प्रोग्राम ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आइजर मोहाली एंड द पीएचडी डिग्री विल बी अवार्डेड बाय द आइजर मोहाली, ठीक है। तो आपको ये जो पीएचडी डिग्री मिलेगा ये आपको आइजर मोहाली से मिलेगा। और आपको पता है इंडिया में जितने भी सारे आइजर है, ये सारे के सारे आइजर टॉप 50 हमारा जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आज ऑफ आवर एनआईआरएफ रैंकिंग है, ये सारे के सारे आइजर आते हैं टॉप 50 में। तो ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी हम देख लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपका मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है, एमएससी, एमफार्मा, एमटेक, ठीक है, इस प्रकार मास्टर्स डिग्री होना जरूरी है। कौन सा फील्ड में? अप्लाइड साइंस, इंजीनियरिंग और रिलेटेड एरियाज में, ठीक है। इसके साथ साथ आप यदि फाइनल ईयर का भी स्टूडेंट हो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, यू आर एलिजिबल। देन नंबर टू पे यहाँ मेंशन किया गया है कि क्वालिफाइड एटलीस्ट वन नेशनल एग्जामिनेशन आउट ऑफ आपका गेट क्लियर होना चाहिए, या सीएसआईआर, यूजीसी नेट, या जेईएसटी, देन जेजीईई, बीआईएलएस, टीआईएफआर, एनसीबीएस, आईसीएमआर, जेआरएफ, डीबीटी, जेआरएफ, डीएसटी, इंस्पायर और जीपीएटी। किसी भी प्रकार का आपको इस प्रकार का एग्जाम आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। और इसका एज लिमिट क्या है? आज पर द गाइडलाइंस ऑफ द सीएसआईआर, यूजीसी एंड डीएसटी, ठीक है। नेट जेआरएफ के लिए जो भी गाइडलाइंस है, जितना भी एज होना चाहिए, ठीक सेम एज यहाँ फॉलो किया जाएगा। एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? यहाँ देखिए एक लिंक दिया गया है, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आप यहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इन एडिशन टू द एबव एप्लीकेशन द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन सिनॉप्सिस। तो आपको एक सिनॉप्सिस भी आपको यहाँ मीन्स देना पड़ेगा और इस सिनॉप्सिस का लिंक यहाँ दिया गया है। इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको डाउनलोड करके इसके साथ जितने भी सारे आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है इसको सेल्फ अटेस्टेड करके मीन सिग्नेचर करके आपको भेजना पड़ेगा। यहाँ जो देखिए यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस में, ठीक है, ये जो मेंशन किया गया द डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ नानो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज सिटी सेक्टर 1 मोहाली, इसमें आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन फॉर द पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2022, ठीक है, ये सारे चीज मेंशन किया गया है। बाकी कुछ छोटा मोटा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। देन एप्लीकेशन फी, एप्लीकेशन फी जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 590, ठीक है, और जो एससी, एसटी एंड फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके लिए 295, ठीक है। आप ये जो अमाउंट है आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बाकी ट्रांजैक्शन का डिटेल्स यहाँ दिया गया है। और इसका लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का? 4 अक्टूबर 2021,
ठीक है, ये इस तारीख से पहले आपका जो स्पीड पोस्ट है, कोरियर है, जो भी है, जो आपका हार्ड कॉपी है एप्लीकेशन फॉर्म का, ये पहुंच जाना चाहिए। बाकी नीचे इसका एडमिशन का जो मीन्स आपका यदि किसी प्रकार का क्वेरी है तो यहाँ नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, आप देख सकते हो। बाकी सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ मीन्स पीएचडी कर सकते हो, तीन कैटेगरी दिया गया है, एक है केमिकल बायोलॉजी, एक है एनर्जी एंड एनवायरमेंट, एंड तीसरा है क्वांटम मटेरियल्स एंड डिवाइसेस। केमिकल बायोलॉजी में आप देख सकते हो सेंसर, नानो मेडिसिन, देन नानो थेरापेटिक्स, देन बायो मेमेटिक्स एंड द टिश्यू इंजीनियरिंग, देन मॉलिकुलर फेनोमिनन आर द नानो स्केल, देन नानो डायग्नोस्टिक्स। तो इस प्रकार का सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, आप मेरे से अच्छे जानते हो जो भी ये सेक्टर में है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर इसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।